Hello, good morning my dear students. How are you? I hope you all are very good, fit and fine. Today we are going to a continue portion of this how many times chapter number 9 in mathematics. Okay, so now we are on the page number 135. Okay, so let's open that page number 135. In this page number we have to solve the one topic, that is, that name of this topic is multiplying big numbers. So first of all, tell me student, what is the meaning of big numbers? Big number means two digit number, jinka ek digit nahi hota, that is called a two digit number. Okay, that is called a big number. Big number means two digit number, that is called a big number. Ab dekho, टू डिजिट से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वन डिजिट नंबर किसे कहते हैं, जहाँ पे वन डिजिट होता है. फॉर एग्जाम्पल लाइक यू कैन सी हियर, वन डिजिट लाइक जीरो है, वन है, टू, थ्री, फोर, फाइव, जीरो टू नाइन जितने भी नंबर आते हैं ना, वो सारे वन डिजिट नंबर है. देखो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, ये सारे क्या है, दैट इज ऑल अ वन डिजिट नंबर. सो दैट इज कॉल्ड अ स्मॉल नंबर. इनको हम स्मॉल नंबर कहते हैं जो वन डिजिट होता है. अब टू डिजिट नंबर लाइक, टू डिजिट नंबर मीन्स नाइन के बाद जो नंबर आएगा वो होगा टेन. तो टेन में वन भी आता है और जीरो भी आता है, तो ये है टू डिजिट नंबर. फिर टेन के बाद इलेवन, यहाँ पे वन वन आता है, टू डिजिट नंबर. तो जितने भी टू डिजिट नंबर है वो सारे होते हैं बिग नंबर्स. सो 10 से स्टार्ट करते हैं, 10 से लेके 99 तक, या फिर 100 से 100 नंबर, 101. तो ये जितने भी टू डिजिट नंबर, थ्री डिजिट नंबर, इन सारे को हम कहते हैं बिग नंबर्स. गॉट इट? इन सभी को हम कहते हैं बिग नंबर्स. गॉट इट? ओके, नाउ लुक इट हियर. अब हमें यहाँ पे देखना है. सो हियर फर्स्ट वी ऑल हैव टू अवेयर अबाउट अ जीरो कंसेप्ट. कि जीरो का कंसेप्ट क्या होता है, जीरो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीरो. जीरो जैसे कि मैंने आपको बताया था ना, कि हम मल्टीप्लाई में जब भी जीरो की बात करते हैं ना, सो वेन एवर वी मल्टीप्लाइंग एनी नंबर विद जीरो, कोई भी नंबर का जब जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं, सो अवर प्रोडक्ट विल ऑलवेज बी जीरो. हमारी जो आंसर आएगा, हमारा जो प्रोडक्ट होगा ना, वो भी जीरो ही होगा. फॉर एग्जाम्पल, 5 × 0, सो आंसर इज 0. 2 × 0, सो आंसर इज 0. 0 × 0 भी करेगा ना, तो भी आंसर 0 ही रहेगा. 10 × 0 करो तो भी आंसर 0 ही रहेगा, है ना. तो इस प्रकार से आपको ये पता होना चाहिए कि वेन एवर वी मल्टीप्लाइंग एनी नंबर विद 0, द प्रोडक्ट विल ऑलवेज बी 0. ओके, नाउ ओके, लेट्स अवर मूव ऑन टू अवर मेन टॉपिक, मल्टीप्लाइंग बिग नंबर. चलो अब दो डिजिट के नंबर को हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, चलो वो सीखते हैं. ठीक है, सो टू टॉपिक्स वर गिवन टू ईच स्टूडेंट इन द क्लास. इफ देयर वर 34 स्टूडेंट्स, हाउ मेनी टॉपिक्स वर गिवन इन ऑल. ओके, तो सबसे पहले टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 34. ईच स्टूडेंट गेट्स टू टॉपिक्स. तो हमें क्या करना है पता है, हमारे क्लास में टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 34. तो हम यहाँ पे लिखेंगे 34, टोटल स्टूडेंट्स 34. ईच स्टूडेंट हाउ मेनी गेट टू टॉपिक्स. सो ईच स्टूडेंट गेट हाउ मेनी टॉपिक्स, टू टॉपिक्स. ओके, सो हियर वी हैव टू, टोटल नंबर ऑफ टॉपिक्स गिवन. तो टोटल नंबर ऑफ टॉपिक्स कितनी होगी, चलो वो कैलकुलेट करते हैं. तो होगा 34 × 2. बट ये 34 × 2 हम करते कैसे हैं, चलो वो सॉल्व करते हैं. ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, एक बॉक्स बना देना है, एक टेबल बना देनी है. ठीक है, इस टेबल के अंदर हमें ये देखना है सबसे पहले कि 34 है, राइट, 34 है. तो 34 कैसे बनता है 10 डिजिट के अंदर, 30 + 4, ये ऐसे बनता है ना, 30 + 4 = 34. तो हमें क्या करना है, 30 को यहाँ पे रखना है और इसके साथ 4 को यहाँ पे लिख देना है साइड वाले बॉक्स में. ठीक है, बचा क्या है, 2. तो 2 हम यहाँ पे रख देंगे. ठीक है, सो अब यहाँ पे जो मेन चीज़ समझनी है वो यहाँ पे ही समझना है हमें. 30 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे इस 2 के साथ, तो 30 × 2, राइट. फिर ये जो 4 बचा इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, सो 4 × 2, सो 30 × 2 होगा हमारा आंसर 60, और 30 × 2 आंसर इज 60, एंड 4 × 2 आंसर इज 8.
सो 60 प्लस 8 जब हम करेंगे तो आंसर कितना होगा 68, दैट इज अवर आंसर. सो टोटल नंबर ऑफ टॉपिक्स गिवन इज अबाउट 68. इस प्रकार से आपको कोई भी नंबर दिया जाता है, यही मेथड आपको अप्लाई करनी है. गॉट इट. एक और ले लेते हैं, कोई एक और मेथड ले लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल आपको सॉल्व करना है 24 into 3. ओके, चलो ये सॉल्व करते हैं. 24 into 3 कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले आपको फिर से वही एक टेबल बना देनी है, बॉक्स बना देना है, है ना. हमें पता है कि 24 कैसे बनता है, 20+4 से बनता है, ठीक है. और 20+4 ओके, और ये 3 बचा, इसको यहाँ पे रख देंगे. चलो अब देखते हैं, सॉल्व करते हैं कि हमारा आंसर करेक्ट आता है या नहीं. सो सबसे पहले 20 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 20 × 3. इस 4 को भी मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, सो 4 × 3, 20 × 3 = 60, राइट. एंड 4 × 3 = 12, सो 60 प्लस 12, और आंसर इज 72. सो यार आंसर इज 72, यही आंसर है आपका. ओके, सो इन दिस वे यू हैव टू सॉल्व एनी टाइप ऑफ बिग नंबर्स व्हिच आर आस्किंग इन योर बुक. ओके, कोई भी कैसा भी क्वेश्चन आपको बिग नंबर में पूछा जाए, यही मेथड आपको अप्लाई करनी है. ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू एंडिंग हियर. बाय बाय, टेक.